दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह से अपनी टेली कंपनी में फाइनेंशियल ईयर को चेंज करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमारा जो वित्तीय वर्ष होता है, जिसे हम फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं, वो प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को ख़त्म होता है। जब हम टैली में 31 मार्च तक एंट्रीज पोस्ट कर लेते हैं, तो हमें नेक्स्ट ईयर की एंट्रीज पोस्ट करने के लिए फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना होता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से हम टैली में फाइनेंशियल ईयर को चेंज करते हैं, कैसे नेक्स्ट ईयर में हम पिछले ईयर का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर में किस प्रकार से ओपनिंग बनता है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। आइए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी आप देख रहे होंगे कि हमारी जो कंपनी बनी हुई है, उसका फाइनेंशियल ईयर हमने लिया है 1 अप्रैल 2017 टू 31 मार्च 2018। इट मीन्स हम इसी फाइनेंशियल ईयर की एंट्रीज इस कंपनी में पोस्ट कर पाएंगे। सपोज मैं आपको कोई एंट्री करके दिखाता हूँ जो मैं 1 अप्रैल 2018 में करना चाहता हूँ, यानी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंट्री मैं पोस्ट करना चाहता हूँ। डेट हम चेंज कर लेते हैं, 1 अप्रैल 2018 में यहाँ पर डालता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो टेली हमें एक एरर शो करता है, डेट कैन नॉट बी अबाउ द करंट पीरियड। जो हमारा करंट पीरियड है 31 मार्च 2018, वहीं तक हम एंट्रीज इस कंपनी में पोस्ट कर सकते हैं। अब यदि हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की एंट्रीज पोस्ट करनी है, तो आपको गेटवे ऑफ टेली में खड़े रहना है और यहाँ प्रेस करना है ऑल्ट के साथ F2। जैसे आप ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे, चेंज पीरियड का एक डायलॉग बॉक्स आपको दिखाई देगा, वहाँ आपको 1 अप्रैल 2018 करना है और नीचे 2019 करना है। तो 1 अप्रैल 2018 यहाँ पर कर दीजिएगा और 31 मार्च 2019 यहाँ पर कर दीजिएगा। अब आप देखेंगे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है। 1 अप्रैल 2018 को संडे है, वो यहाँ आ चुका है। अब हम एंट्री पोस्ट करने चलेंगे फिर से 1 अप्रैल 2018 की, तो आप देखेंगे कि अब हमारी डेट चेंज हो चुकी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप सिंपली अपनी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यदि आप प्रीवियस ईयर का डेटा देखना चाहें या प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट देखना चाहें, तो आप बैलेंस शीट में जाइएगा। ये बैलेंस शीट अभी आपको दिखाई दे रही है 1 अप्रैल 2018, यानी पिछले साल का जितना भी क्लोजिंग था वो इस साल हमारा ओपनिंग बन चुका है। आप देखेंगे यहाँ पर कैपिटल, एंटर प्रेस करेंगे तो कैपिटल में ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है। इस तरह से आप कार को देखेंगे तो कार में भी हमारा ओपनिंग बैलेंस शो हो रहा है। ये सारा पिछले साल का क्लोजिंग था जो आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ओपनिंग के रूप में दिखाई दे रहा है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में जब आप जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर हमको स्टॉक के अलावा कुछ भी शो नहीं हो रहा है। परचेस, पावर बिल, वेजेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कुछ भी हमको यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, ये सारा नेट प्रॉफिट के माध्यम से ट्रांसफ़र हो चुका है और वो यहाँ पर हमको बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है। ओपनिंग बैलेंस जो पिछले साल का प्रॉफिट था 26,095 रुपीज़, वो यहाँ शो हो रहा है। यदि आप पिछले साल की बैलेंस शीट देखना चाहें, तो यहीं आप अल्ट्रा F2 प्रेस कीजिएगा और यहीं पर आपको 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2017-2018 प्रेस करना है। आप देखिएगा यहाँ पर 1 अप्रैल 2017-31 मार्च 2018। जब ये प्रेस करेंगे आप और आप देखेंगे यहाँ पर, तो आपको पिछले साल का सारा डाटा यहाँ आप एक्सेस कर पाएंगे। सारा डाटा आपको यहाँ पर दिखाई देगा। देखिएगा आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको सारा डाटा दिखाई देगा। नेट प्रॉफिट जो कि पिछले साल का था, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन इन एंट्रीज़ में आप कोई करेक्शन नहीं कर पाएंगे। सपोज़ किसी एंट्री में आपको करेक्शन करना होगा, तो उस एंट्री को डेट बुक में आप सारे डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। सपोज़ ये रमेश की एंट्री हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर रमेश की एंट्री 1000 में सेल आउट करना चाहता हूँ रमेश को, और जब मैं इसको सेव करने जाऊँगा, तो देखिए आप फिर से एरर शो हो गया, डेट कैन नॉट बी बिलो द करंट पीरियड। यानी पिछले साल की एंट्रीज हम इस करंट पीरियड में, करंट फाइनेंशियल ईयर जो कि मैंने चेंज कर दिया था, उसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। करेक्शन करने के लिए आपको फिर से फाइनेंशियल चेंज करके प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जाना होगा। अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, उसमें ये काम मॉडिफिकेशन का नहीं कर सकते हम। केवल हम यहाँ पर डेटा को देख सकते हैं, उनका प्रिंटआउट निकाल सकते हैं, एंट्रीज़ को देख सकते हैं। यदि आप किसी पार्टी का क्लोजिंग बैलेंस देखना चाहते हैं, जिस पार्टी से हमने पिछले साल ट्रांजेक्शन किया था और उसका क्लोजिंग बैलेंस क्या था, वो आप करंट फाइनेंशियल में देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको गेटवे ऑफ टेली में से डिस्प्ले में जाना है। डिस्प्ले में आपको मिलेगा अकाउंट्स बुक्स, उसमें से आपको लेजर में जाना है और पार्टी, सपोज रमेश का मैं आपको दिखाता हूँ, तो आप देखिएगा कि यहाँ पर हमको ओपनिंग बैलेंस के रूप में 221,652 रुपये शो हो रहे हैं। ये उस पार्टी का पिछले साल का क्लोजिंग था, वो इस साल हमको
ओपनिंग में दिखाई दे रहा है, और इस साल अभी तक हमने कोई ट्रांजेक्शन उसके साथ नहीं किया है, इसलिए उसकी कोई एंट्रीज हमको यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। इसी तरह से आप किसी भी लेजर को देख पाएंगे, जैसे मैं आपको दिखाऊँ डिस्काउंट रिसीव्ड, पिछले साल हमको कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ, यदि आप ये देखना चाहेंगे तो वो आप यहाँ पर करंट फाइनेंशियल ईयर में एक्सेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आइटम जो था डिस्काउंट रिसीव्ड, ये हमारी इनडायरेक्ट इनकम में बना हुआ था और वो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, इसलिए वो यहाँ पर शो नहीं होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस के सारे आइटम आपको यहाँ पर उनके बैलेंसेस शो नहीं होंगे, उनके लिए हमको फाइनेंशियल चेंज करके पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाकर ही देखना होगा। सपोज अब हमको फाइनेंशियल ईयर चेंज करना है तो फिर से हमें जाना है गेटवे ऑफ टेली में, और गेटवे ऑफ टेली में ऑल्ट F2 प्रेस करना है, 1 अप्रैल 2017, 31 मार्च 2018, ये हमारा पिछला फाइनेंशियल ईयर है, और यहाँ हमको डिस्प्ले, अकाउंट्स बुक्स, लेजर, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो उसकी सारी एंट्रीज भी शो होंगी और बैलेंस भी शो हो जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस आप यहाँ देख रहे हैं 10,050 रुपये, वो भी हमको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब चूंकि हम इसी फाइनेंशियल में खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम कोई भी करेक्शन करेंगे तो भी टैली एक्सेप्ट कर लेगा उस करेक्शन को। सपोज यहाँ पर मैंने 10,000 का गुड्स परचेस किया है और 8,000 हमने कैश पे किया और डिस्काउंट रिसीव कर लिया 2,000 का, तो टैली ने इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लिया है। फिर से हम अपने करंट फाइनेंशियल ईयर से नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मूव करना चाहते हैं, उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आपको ऑल्ट F2 प्रेस करना है, और ऑल्ट F2 प्रेस करने के बाद आपको बार बार डेट टाइप करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, आप डायरेक्टली लिखें A18 यानी अप्रैल 18 और मार्च 19 और एंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ अब हमारा फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है। इसी तरह से आप जब पिछले फाइनेंशियल ईयर में जाना चाहें तो उसके लिए आपको फिर से ऑल्ट F2 प्रेस करना है, और अप्रैल के लिए A17 और मार्च के लिए M18 टाइप करना है और एंटर प्रेस कीजिएगा। देखिए आप 17-18 यानी प्रीवियस जो फाइनेंशियल ईयर था हमारा, उसमें आप आ चुके हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि सर बैलेंस शीट को देखकर हमें ये कैसे पता चलता है कि हमको किन किन लोगों से पैसा लेना है और किन किन लोगों को पैसा देना है, तो उसका आंसर भी मैं इसी वीडियो में देने की कोशिश कर रहा हूँ। लाइब्रेटरी साइट पे आपको जिन लोगों को पैसा देना है वो आपको दिखाई देंगे, जैसे जिन लोगों से आपने लोन लिया है वो आपको लोन्स लाइब्रेटरी में शो होगा। इस तरह से हमारे जो क्रेडिटर्स हैं वो भी आपको यहाँ शो होंगे, आप एंटर प्रेस करके उनकी डिटेल भी देख सकते हैं। इसी तरह से असेट के अंदर आपके डेटर्स जिनसे हमको पैसा लेना है वो यहाँ पर शो होंगे, और ज़्यादा अच्छा है कि आप बैलेंस शीट की जगह पर डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाएं, यहाँ आपको आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट्स मिलेंगी, बिल्स रिसीवेबल, बिल पेएबल, या आप पर्टिकुलर लेजर भी देख सकते हैं रिसीवेबल में आपको किन किन लोगों से लेना है और पेएबल के अंदर आपको किन किन लोगों को देना है, उसकी रिपोर्ट यहाँ पर डिस्प्ले होगी। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि किस तरह से हमें फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना है, किस तरह से ओपनिंग बैलेंसेस और क्लोजिंग बैलेंसेस को देखना है, किस तरह से हमें प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की एंट्रीज को मॉडिफाई करना है। आप टैली में कई सालों की कंपनीज एक साथ बनाकर रख सकते हैं, या आप अलग अलग कंपनी को ईयर वाइज स्प्लिट भी कर सकते हैं।